इन बच्चों का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो कुछ इन बच्चों ने किया उसने इनके परिवार ही नहीं बल्कि कानपुर पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। दरअसल ये चारों बच्चे अचानक लापता हो गए थे, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई, तो पुलिस ने टीम लगा कर इनकी तलाश शुरू की। इसमें जो परसों जो है ये चार बच्चे जो है अपने घर से जो है बिना बताए जो है चले गए थे। परिवार वाले एक दिन लगभग उन्होंने खोजा, कल शाम को थाना गुजैनी पर आके उन्होंने जो है सूचना से अवगत कराया गया। मौके पे डीसीपी साउथ सहित अन्य उच्च अधिकारी भी जो है मौके पे पहुँचे और जानकारी करने के उपरांत जो है विभिन्न पैरामीटर्स पे काम करते हुए अलग अलग टीमें बनाई गई और उनको डिप्लॉय करा गया। ये सनसनीखेज मामला कानपुर के गुजैनी गाँव का है। बच्चे रविवार की शाम लापता हुए थे, जिन्हें अगले दिन यानी सोमवार को सकुशल बरामद कर लिया। लेकिन इनके लापता होने की ये हैरत अंगेज कहानी सामने आई। पता चला कि सभी बच्चे ताजमहल देखने के लिए आगरा गए थे और इसके लिए इन्होंने अपनी साइकिल 400 रुपए में बेच डाली थी। पनकी के में जो है एक एलएमएल चौराहा है, वहाँ पर जो है इन लोगों को जो है पहले पकड़ा गया। एक छोटा लड़का है उसमें, किशन नाम का। उससे जानकारी मिली कि ये सब लोग जो है आगरा घूमने गए थे और जो इनके पास साइकिल थी उसको इन्होंने बेच दिया था, उससे 400 रुपए इन्होंने लिए और आगरा घूम के फिर कल आज सवेरे 10 बजे ही जो है लौटे थे। और सभी बच्चे सकुशल बरामद कर लिए गए हैं, अग्रिम विधि कार्रवाई थाना स्तर पे की जा रही है। बच्चों की बरामदगी के साथ पुलिस ने राहत की सांस ली है, लेकिन जो कुछ इन नाबालिगों ने किया उसने एक बार के लिए सबके होश उड़ा दिए थे। हालांकि खुलासा हुआ है कि इनमें से सबसे बड़ा बच्चा पहले भी इस तरह लापता हो चुका था और उसकी ये दूसरी हरकत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।